सुंदर और खाली घर था जिसमें कोई नहीं रहता था। एक लड़की ने घर खरीदने का सोचा क्योंकि उसके पास उतना सुंदर घर नहीं था। उसने घर देखने का सोचा और उसने देखा बहुत सुंदर घर है, बिस्तर भी बहुत प्यारा है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर गई ऊपर वाले कमरे में, ऊपर पहुंचते ही उसे बहुत अंधेरा लगा क्योंकि सुबह का टाइम था और इतना अंधेरा अच्छा नहीं लगता। उसने टॉर्च जैसी कुछ लाइट्स देखी, चालू किया तो पूरे ड्रेसिंग रूम में इतनी रोशनी आ गई कि वो ही इतनी चमकीली लगने लगी। उसने फिर आईने को सीधा किया, आईने में देख के ये घर इतना भी बुरा नहीं है। वो वापस सीढ़ियों से नीचे गई और उसने सोचा कि ये घर अब खरीद लिया जाए। वहाँ खुशी खुशी रहने लगी, उसने घर खरीद लिया। लेकिन कहानी की एंडिंग नहीं हुई। उसने वहाँ पे खाना बनाया, नई नई ड्रेसेस देखी, ऊपर कमरे में उसने सामान देखा और एक बिल्ली भी वहाँ पे उसने पाल ली। बाद उसने बालों को कॉम किया, वहाँ अकेलापन लगने लगा। वो खुशी खुशी रह रही थी लेकिन एकदम से उसे लगा कि उसे कोई साथ ही चाहिए। लेकिन वो किसके साथ रहती? अपनी बहन एल्सा के साथ। उसने सोचा कि एल्सा को बुलाए। उसने फोन करके उसे बुलाया, फिर कोई आया। उसने देखा वो और कोई नहीं, उसकी बुलाई हुई एल्सा ही थी क्योंकि एल्सा और उसका फेवरेट कलर था ब्लू। फिर वो बातें कर रहे थे क्योंकि उसने एल्सा को हमेशा के लिए अपने घर में बुला लिया था। ऐसा नहीं कि वो उसके घर मेहमान बन के आई थी। दोनों को एक चीज़ नहीं पता था एक दूसरे की, दोनों ही रानी हैं। दोनों ने किसी को बताया नहीं और पता ही नहीं। एकदम से दोनों ने फोटोज़ देखी जिसमें वो एकदम रानी लग रही थी। उसने एल्सा की फ़ोटो देखी जिसमें वो रानी थी। दोनों को ये नहीं लगा कि वो रानी है। दोनों एक दूसरे की फोटोज देखने आते थे रोज। दिन सिंड्रेला ने एल्सा को क्राउन लगाते देखा। उसने एल्सा को बोला, तुम ये क्राउन क्यों लगा रही हो, तुम तो रानी हो ही नहीं। लेकिन एल्सा ने कहा, मैं रानी ही हूँ। लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसे भी बताना है वो रानी है। एक बार एल्सा ने उसे क्राउन लगाते हुए देख लिया तो समझ गई कि दोनों रानी ही हैं। तो बैठ के बातें करने लगी उसी चीज़ के लिए। एल्सा ने बोला, तुम रानी हो तो मैं क्या हूँ फिर? उसने बोला सिंड्रेला ने कि मैं ही तो रानी हूँ, तुम नहीं हो। दोनों फिर इस बात पे एक ही चीज़ बोलने लगे, मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ। इन दोनों जानते नहीं थे कि दोनों कहाँ कहाँ रहते थे, तक रहते थे कि साथ में। एल्सा ने कहा, मैं एरेंडील की रानी हूँ तो तुम कहाँ से? सिंड्रेला ने बोला, मैं एरेंडील की रानी नहीं हूँ। दोनों एकदम चौंक गई, पूछने लगी कि ये क्या हो गया। दोनों को कुछ नहीं पता था इसीलिए चौंक गए। वो दोनों इधर उधर की बातें कर रही थी। एकदम से उन्हें पता चला कि एल्सा किसी और देश की रानी है और सिंड्रेला किसी और देश की रानी है। दोनों को सब समझ में आ गया। दोनों की इस चीज़ में भी लड़ाई नहीं हुई, दोनों मज़े से रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग और ऐड होते गए। ये तो आई जैस्मिन। के बाद से घर में बहुत लड़कियां हो गई, सब एक से एक आती रहीं। बैठने की भी जगह नहीं होती थी। फिर एक नॉर्मल टाइप की लड़की आई जो अलग सी थी थोड़ी, सब उसे देखने लगे। पर वो यहाँ रहने खेलने नहीं आई थी, वो यहाँ ध्यान रखने आई थी। बोला, कुछ डॉल्स ऊपर जाओ, कुछ डॉल्स नीचे। उसके बाद उसने गिरी हुई प्लेट्स उठा के रखी, सारी डॉल्स को जगह पे भेजा। सारी डॉल्स अजीब बर्ताव करने लगी। बस तुम ऊपर रहोगी और तुम नीचे। भाई ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, तुम ये पहनोगी। का नाम रखा गया भाषी का डॉल हाउस। और कहानी खत्म। सारी डॉल्स खुशी खुशी से रहने लगी। कहानी खत्म। अभी भी झगड़ा नहीं हुआ। बाय।